हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्पॉटिफाई अमृत। मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कुछ चंद ऐसे खिलाड़ियों की जो इंडियन क्रिकेट टीम में आए तो बहुत जल्द, और उनका करियर भी बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि ये पीक हिट कर चुके हैं और उनका करियर ऊपर ही जाएगा, लेकिन वो उसके बाद गायब हो गए इंडियन क्रिकेट टीम से। तो ऐसे ही खिलाड़ी जो मेरी नज़र में है, वो सबसे पहला जो सबसे बड़ा नाम आता है वो पृथ्वी शॉ का आता है। जी हाँ, पृथ्वी शॉ एक इंडियन क्रिकेटर ऐसे जो लग रहा था कि इंडिया का फ्यूचर है, और इवन जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वो उनको सचिन सहवाग और लारा का एक मिक्सचर कहते थे, और वो एकदम से इंडियन क्रिकेट टीम से बाहर हो गए। जी हाँ, यहाँ पर पृथ्वी शॉ के बाहर होने का रीज़न उनके कुछ पर्सनल रीजंस हैं, और इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने भी यहाँ पर बोल दिया था पृथ्वी शॉ को कि आप अपनी फिटनेस पे काम कीजिए, आपकी परफॉर्मेंस हमेशा ही बेहतरीन रहती है, बस आपकी फिटनेस और आपका जो बिहेवियर है वो थोड़ा यहाँ पर इशू क्रिएट करता है, जिसकी वजह से उनको टीम से बाहर रखा गया। लेकिन पृथ्वी शॉ आए दिन किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में दिखते हैं, नज़र आते हैं। इसकी वजह से पृथ्वी शॉ का टैलेंट इंडियन क्रिकेट टीम को फ़ायदा नहीं दे पा रहा है, और इंडियन टीम से वो दूर है, और इसका फ़ायदा ना तो पृथ्वी शॉ को हो रहा है और ना ही इंडियन क्रिकेट टीम को। जी हाँ, दूसरा नाम जिस जो मेरी नज़र में है वो है नटराजन। जी हाँ, नटराजन, हम जानते हैं गाबा टेस्ट के अंदर नटराजन ने क्या ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी, और उसके बाद नटराजन गायब हो गए। जी हाँ, उनको मौका मिलना चाहिए था, उन्होंने अपना T20I डेब्यू भी किया था बेहतरीन IPL के बाद, लेकिन ना तो वो T20I में दिखे उसके बाद और ना ही वो टेस्ट टीम का हिस्सा बन पाए। तो नटराजन को क्या हुआ कि नटराजन एकदम से गायब हो गए? नटराजन को टीम से दूर इसलिए रखा गया क्योंकि वो इंजर्ड हो गए थे, और इंजरी की वजह से वो टीम से बाहर रहे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए नटराजन को BCCI नहीं देख रही है, कंसीडर नहीं कर रही है कि वो आगे इनको टेस्ट टीम में या T20I टीम में लेकर आए, क्योंकि BCCI यहाँ पर कुछ चंद प्लेयर्स को, कुछ नाम उन्होंने सेलेक्ट किए हुए हैं जिनको थोड़ा कंसिस्टेंटली रन देना चाहती है, जैसे कि अर्शदीप हो गए, मुकेश कुमार हो गए और आवेश खान हो गए। तो ऐसे प्लेयर्स को वो रन देना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि कैसा परफॉर्म, इनके इर्द गिर्द कैसे टीम बनती है। बाकी ऐसे ही एक और नाम है, जी हाँ, नवदीप सैनी। नवदीप सैनी एक ऐसा खिलाड़ी जो हम देखते थे कि ये बहुत ही ऊंचाइयाँ छुएगा, और मेरा वन ऑफ द फेवरेट फास्ट बॉलर था इंडियन टीम में, लेकिन एकदम से वो गायब हो गए। जी हाँ, गाबा टेस्ट में वो भी थे टीम का हिस्सा, लेकिन उसके बाद टीम में दोबारा नज़र नहीं आए नवदीप सैनी। नवदीप सैनी का एक्चुअली इशू ये था कि वो इंजर्ड हो गए थे, और इंजरी के बाद उनकी पेस में भी थोड़ा डिप आया है, और अभी उन्होंने वापसी तो गई है क्रिकेट के अंदर, लेकिन वो काउंटी खेल रहे हैं इंग्लैंड के अंदर जाकर, और उसके उसमें भी ज़्यादा कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो नवदीप सैनी जो इंडिया का फ्यूचर होना चाहिए था, वो इस टाइम इंडियन क्रिकेट टीम की जो फ्यूचर जो वो टीम बना रहे हैं उससे बाहर है। नवदीप सैनी के बाद मुझे एक और नाम याद आ रहा है जिसका नाम है उमरान मलिक। जी हाँ, उमरान मलिक को तो एकदम से अलग ही कर दिया है BCCI ने। मतलब उमरान मलिक ना तो इंडिया ए टीम के टीम में नज़र आते हैं, और उमरान मलिक को बल्कि बहुत ही बेहतरीन फास्ट रॉब पेस है उनके पास, और उनको लगातार उनको मौका ये देने चाहिए। एटलीस्ट अगर आप इंटरनेशनल का अगर आप एक्सपोजर, अगर आप फर्स्ट टीम के अंदर अगर आप एक्सपोजर नहीं दे सकते, वहाँ पर आपके पास लिमिटेड प्लेयर्स हैं, तो आप उनको इंडिया ए टीम के साथ आप दे सकते हैं। लेकिन उमरान मलिक एक दिन से गायब ही हो गए। अब पता नहीं उमरान मलिक IPL में उनका बहुत ही बेहतरीन सीज़न जाए तो BCCI की नज़र के अंदर आए, लेकिन उमरान मलिक एकदम से गायब हो चुके हैं, और इसका रीज़न मेरे पास तो नहीं है कि उमरान मलिक के साथ ऐसा क्यों किया गया है। जी हाँ, उमरान मलिक ये ज़रूर है कि उनकी थोड़ी परफॉर्मेंस में डिप आया था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उनको इंडिया ए की टीम में भी मौका ना मिले। लास्ट में मैं बात करूंगा एक ऐसे खिलाड़ी की जिसका तो मुझे खुद ही दिल से बुरा लगता है। मुझे ऐसा फील होता है कि इस प्लेयर के साथ बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है, और उस खिलाड़ी का नाम है करुण नायर। करुण नायर मतलब इंडिया के लिए 13 शतक उन्होंने लगाया था, और उसके बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया टीम से। हम देखते हैं कि कोई कुलदीप जैसे मैन ऑफ द मैच बनते हैं तो उनको बेंच पे बैठा देते हैं, तो ऐसा तो फिर भी चलो ठीक है, कुलदीप को मौका मिल जाता है बाद में, लेकिन यहाँ पर करुण नायर को तो टीम से ही बाहर कर दिया गया। करुण नायर का जो रीज़न दिया गया BCCI की तरफ से, उन्होंने बोला कि प्लेयर की फिटनेस ज़्यादा फिट नहीं है करुण नायर, और सेकंड थिंग उनका जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा कैजुअल है क्रिकेट को लेकर। लेकिन अगर प्लेयर अगर
300 अगर बना रहा है एक मैच के अंदर, 13 शतक मार रहा है सिर्फ अपने कैजुअल नेचर की वजह से, तो आपको क्या इशू आ रहा है? प्लेयर रन तो बना रहा है, और मुझे नहीं, मुझे ये सोच मुझे समझ नहीं आती कि खिलाड़ी जब परफॉर्म भी करता है तब भी आप बाहर कर देते हैं। आपके जो बड़े बड़े जो नाम बने हैं वो सिर्फ इसी वजह से बने हैं, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले, आप ये बड़े बड़े नाम हम सुनते हैं तो वो इसीलिए बने हैं क्योंकि उन्हें कंसिस्टेंट रन दिया गया। जी हाँ, उनमें ट्रस्ट, उनको उनमें ट्रस्ट दिखाया गया तभी वो इतने बड़े नाम बन पाए। लेकिन अगर आप एक मैच में जो परफॉर्म करके भी दिखा रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करके दिखा रहा है, अच्छी ऑपोजिशन के अगेंस्ट जाकर रन बना रहा है या विकेट ले रहा है, आप उसको आप टीम से बाहर कर देते हैं, ये तो समझ से बाहर है मेरे। तो ये थी मेरी वीडियो उन इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के लिए जो टीम से, जिनको हम फ्यूचर देख रहे थे इंडियन क्रिकेट टीम का, लेकिन वो एकदम से टीम से बाहर हो गए और उसके बाद अब टीम में वापसी तक नहीं कर पा रहे। तो आप मुझे और बताइए, और ऐसा कौन सा खिलाड़ी आपको लगता है जो टीम से बाहर हो गया या फिर जिसके साथ नाइंसाफी हुई है, और जो हम सोच रहे थे कि ये इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर बनेगा लेकिन अब वो टीम में नज़र ही नहीं आता? तो आप भी बता सकते हैं, डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए। और बाकी इस वीडियो से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।